रेलवे भर्ती बोर्ड के परीक्षार्थी बहनों और भाइयों, आज नई दिल्ली में भारत के रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी से मेरी लंबी बातचीत हुई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि एनटीपीसी के परीक्षा के अंदर एक छात्र एक रिजल्ट की जो मांग है उस पर उन्होंने सहमति प्रकट की है और कहा कि 3.5 लाख और छात्रों का रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा और दूसरा ग्रुप डी की 2 परीक्षा के स्थान पर 1 परीक्षा की जो मांग थी उस पर भी उन्होंने सहमति प्रकट की है। तो इसे मैं छात्रों से अपील करूंगा कि जो 2 मुख्य मांगे थी, ग्रुप डी की 1 परीक्षा और एनटीपीसी की परीक्षा में 1 छात्र 1 रिजल्ट, उन दोनों पर उन्होंने सहमति प्रकट की है और जो समिति बन रही है उसकी रिपोर्ट आने के बाद इन दोनों मांगों को क्रियान्वित किया जाएगा। साथ ही साथ मैं पटना के पुलिस प्रशासन से अपील करूंगा कि छात्रों और शिक्षकों पर किसी प्रकार की कोई दमनात्मक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अगर रेलवे बोर्ड ने समय रहते स्पष्टीकरण दे दिया होता तो शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा नहीं हुई होती और ये कोई अपराधी नहीं है। ये सारे छात्र पढ़ने वाले छात्र हैं जो गलतफहमी में या रेलवे बोर्ड के स्पष्टीकरण नहीं आने के कारण लोग सड़कों पर आ गए और जो कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटी है, तो ऐसे छात्रों के खिलाफ किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। वे छात्र भाइयों, नरेंद्र मोदी की सरकार आपकी सरकार है, आपके साथ खड़ी है।